नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार की सियासत के केंद्र में बने हुए रघुवंश प्रसाद सिंह पर सबकी नजर है। नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब से आरजेडी से इस्तीफा दिया है उसके बाद से जेडीयू की तरफ से उन पर डोले डाले जा रहे हैं और अब सबको ये लग रहा है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह किधर जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत भी काफी खराब है, उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कई दिनों से फेफड़े के बीमारी से ग्रसित हैं और इसलिए दिल्ली एम्स में वो अपना इलाज भी करा रहे हैं। अब आप लोग के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा या फिर आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी तबीयत कैसी है और वो फिलहाल कैसे हैं, वहाँ पर क्या कुछ उनकी स्थिति बनी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एम्स की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ रघुवंश प्रसाद सिंह एडमिट है। और आप ये देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर दिल्ली एम्स से सामने आई है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि रघुवंश प्रसाद सिंह बेड के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके आगे आप देख पा रहे होंगे कई सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो भी रखे हुए हैं और जिस तरीके का उनका एक पोजिशन है, वो सोने का पोजिशन, उसमें साफ लग रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कुछ चिंतन कर रहे हैं। मतलब मंथन किया जा रहा है कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी और फिलहाल जो स्थिति उनके स्वास्थ्य की बताई जा रही है वो स्थिर बताया जा रहा है, वो अभी फिलहाल ठीक हैं। बीते कई दिनों से ही वो स्वास्थ्य की वजह से परेशान चल रहे थे। सबसे पहले उन्हें कोरोना वायरस हो गया था जिसके बाद उन्होंने कोरोना को मात दी थी और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो उन्हें फेफड़े की भी बीमारी थी जिसके बाद दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। और इसी बीच बिहार में भी कई सारी ऐसी सियासी गतिविधियाँ हुई, उनको लेकर कई सारे ऐसे बयान दिए गए, आरजेडी की तरफ से बहुत कुछ ऐसा कहा गया या किया गया जिससे रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी ज़्यादा आहत भी हो गए। तो सबकी नज़र रघुवंश प्रसाद सिंह पर टिकी हुई है ही और रघुवंश प्रसाद सिंह भी चिंतन में डूबे हुए हैं कि आखिर आगे उन्हें क्या करना है, मंथन किया जा रहा है। और इसलिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर में भी आप देखिए कि आगे सारे न्यूज़पेपर उन्होंने रखा है ताकि उनसे उन्हें पता चल सके कि आखिर बिहार की सियासत में अभी क्या चल रहा है और जो स्टेप उन्होंने लिया है उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और कौन कौन से लोग उन्हें ऑफर कर रहे हैं और आगे उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जेडीयू से उनकी बात पूरी तरीके से चल रही है और ये भी पता चल रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अपने बेटे को एमएलसी बनाना चाहते हैं और इसलिए जेडीयू से बातचीत चल रही है। देखने वाली बात हुई कि रघुवंश प्रसाद सिंह किधर जाते हैं और क्या फैसला लेते हैं, लेकिन फिलहाल उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो वो अभी ठीक दिख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी उनकी स्थिति दिल्ली एम्स में कैसी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।